बिहार की नौकरी पॉलिटिक्स पुराने फायदे में नए को नुकसान। एनडीए के सरकार के 15 दिन में 87,000 टीचर वैकेंसी। बिहार में पहली बार जाति से हटकर नौकरी की बात पर सरकार और विपक्ष लड़ रहे हैं। नौकरी देने की क्रेडिट की लड़ाई में युवाओं का फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ का नुकसान भी है। महागठबंधन सरकार में 70 दिनों यानी नवंबर 23 से 24 2024 में 2.25 लाख टीचर की नौकरी दी गई। महागठबंधन टूटने के बाद सबसे पहले तेजस्वी ने इस सीट पर बात तय की और कहा कि हमारी वजह से इतनी नौकरियां मिली हैं। फिर क्या था इसका जवाब? एनडीए की सरकार ने 15 दिनों के भीतर दे दिया। टीचर वैकेंसी के तीसरे चरण में 87,000 वैकेंसी निकाल दी। 30,000 से ज़्यादा विभिन्न विभागों में नए पद सृजित करके यह बता दिया कि नीतीश की वजह से नौकरियां मिली हैं। यह सिलसिला जारी रहेगा। महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने भी 10 लाख नौकरी का वादा किया था। तेजस्वी यादव ने एक साल में 5 लाख बहाली निकालने का दावा किया। आपको बता दें, किसी आधार पर यह भी दावा किया गया कि 2025 तक वह बिहार में 10 लाख नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकारी नौकरी का जो वादा किया गया था वो मैंने पूरा किया, मतलब सारा जो क्रेडिट है वो खुद का ले रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में पब्लिक हेल्थ कैडर लाकर लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी का दावा करते हुए तेजस्वी ने कहा था कि शिक्षा स्वास्थ्य के साथ उत्पाद और पुलिस विभाग में बंपर नौकरी आएंगी। विश्वविद्यालयों में 30 साल से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की कोई बहाली नहीं हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की कमी है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही। जिस यूनिवर्सिटी के उपज है सीएम और अन्य बड़े नेता, वहां भी शिक्षक की कमी से पढ़ाई बाधित है। वैकेंसी निकाल रहे हैं 1,70,000 और बहाली 70 से 90,000 तक हो रही है। इसमें भी बिहार के साथ बाहर वाले भी भर्ती हो रही है। पिछली सरकार ने यह सब किया, अब नई सरकार भी वही करनी है। तो आपको बताते चले, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, वो क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने नौकरियां दिलाई, जो नौकरी के जो युवा हैं उनको मेरी तरफ से नौकरियां मिली, तो ये गलत है। उसके बाद अब पता चल गया कि नौकरी किसकी वजह से मिल रही है, तो एक बार फिर से युवाओं की बल्ले बल्ले हैं और युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।